नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ दिन में बात होगी जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए राहुल गांधी की पहली रैली की, सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग की, देखेंगे हरियाणा में मजबूत होती कांग्रेस को, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने को लेकर गडकरी के बड़े बयान को, जानेंगे बिहार में आरजेडी की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिनभर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जांच सीबीआई को सौंपने को बताया गलत। हिमाचल प्रदेश में दल बदल में अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन होगी बंद, विधानसभा में पास हुआ विधेयक। एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव के परिणाम घोषित, तो 12 सीटों में से 5 पर आम आदमी पार्टी और 7 पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 202 अंकों की गिरावट के साथ 82,352 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,198 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे के साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। राहुल ने आज 2 रैलियां की और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला, जम्मू को पूर्ण राज्य के दर्जे से लेकर अंबानी अडानी तक का मुद्दा उठाया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। जम्मू के अनंतनाग और रामबन में कांग्रेस सांसद ने चुनावी रैली के साथ विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती चौड़ी करके आते थे, अब उनके कंधे झुक गए हैं। राहुल ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी राज्य से स्टेटहुड छीना गया, यहां राजा का शासन है। हम चाहते हैं कि पहले आपको स्टेटहुड मिले फिर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। उनका कहना है कि पहले चुनाव होगा फिर स्टेटहुड की बात होगी। हम कह रहे हैं कि कुछ भी हो, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दिलवाएंगे। हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट यहां बनाए जा रहे हैं, सच्चाई है कि इसका फायदा आपको नहीं मिलता। राहुल ने कहा कि ये लोग एक जाति को दूसरे से, एक धर्म को दूसरे से लड़ाएंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैलाई है। संसद में मुझे कहा गया कि आप सदन में अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने उन्हें A1 A2 नाम दे दिया। ये हम दो हमारे दो हैं, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी, देश में इनकी सरकार चल रही है। उन्होंने पहले कहा जाति जनगणना नहीं होगी, अब RSS ने कहा होना चाहिए। लेटरल एंट्री पर भी वो बैकफुट पर आए। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम इन्हें सरकार से हटा देंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को निशाना बना लिया। यहां तो दोनों नेताओं में जुबानी जंग ही छिड़ गई। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनेगी और फिर बुलडोजर को लेकर योगी को चेतावनी भी दे दी, जिस पर योगी ने पलटवार भी किया। तो कैसे दोनों नेता आए आमने सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बुलडोजर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच घमासान छिड़ गया है। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। गोरखपुर यानी सीएम योगी का चुनाव क्षेत्र, जिस पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता। जिसके बाद अखिलेश का एक और बयान सामने आया कि चुनाव के बाद सीएम चैन से नहीं सो पाए। दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं की ये जुबानी जंग शुरू हुई सीएम योगी के मैनपुरी में दिए DNA वाले बयान पर, जहां योगी ने कहा था कि गुंडई और अत्याचार सपा के DNA में है। इस पर अखिलेश ने तीखा पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते, DNA, deoxyribonucleic acid, वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है, ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, लेकिन जीत के दावे अभी से पेश किए जा रहे हैं।
तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और राजनीतिक दलों की जीत की तैयारियां काफी तेज हैं, जहां कांग्रेस लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। आपके साथ गठबंधन पर सहमति बनती नजर आ रही है, तो कांग्रेस की टिकट पर विनेश फोगाट के साथ ही एक और खिलाड़ी के चुनावी मैदान में एंट्री की चर्चाएं तेज हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब और दिलचस्प हो गया है। काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की टिकट से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसी सिलसिले में रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने इस मुलाकात की फोटो एक्स पर शेयर भी की, जिसके बाद एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों ही रेसलरों को टिकट मिलना लगभग कन्फर्म हो गया है और पार्टी किसी भी समय दोनों की सीटों का ऐलान कर सकती है। कयासों की बात करें तो विनेश को दादरी सीट से टिकट मिल सकता है, वहीं बजरंग पुनिया बादली से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। बता दें कि विनेश और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी के अलावा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। विनेश की राजनीति में एंट्री से हरियाणा की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने अब तक 90 में से 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है। बाकी बची सीटों पर भी कांग्रेस एक दो दिन में तस्वीर साफ कर सकती है, जिसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नाम होने की भी संभावना है। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। हरियाणा में चुनाव के इस दौर में विपक्ष एकजुट होता जा रहा है, तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए कमजोर होता नजर आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार घिर गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत लगातार जारी है। हाल ही में महाविकास अघाड़ी ने सरकार को जूता मारो आंदोलन निकालकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं अब इस मामले में बीजेपी अपने ही मंत्री के बयान पर घिर गई है। बता दें कि सिंधु दुर्ग में छत्रपति की मूर्ति गिरने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर मूर्ति को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया होता तो मूर्ति का वो हश्न नहीं होता जो हाल ही में देखने को मिला है। गडकरी के इस बयान से बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई है, तो वहीं मूर्ति की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच गडकरी के बयान पर एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद पवार ने कहा कि नितिन गडकरी किसी भी काम को पूरी लगन से करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला दहने के मुद्दे पर नितिन गडकरी ने स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करने का मुद्दा रखा। हम इसका समर्थन करते हैं। नितिन गडकरी अगर कुछ कह रहे हैं तो जरूर ही जानकारों की राय लेकर कह रहे होंगे। नितिन गडकरी के बयान को विपक्ष से मिले समर्थन ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसे में गडकरी का बयान और उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया मोदी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को और पुख्ता करती है। केंद्रीय मंत्री के बयान से मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है, तो चर्चा आरजेडी की बैठक को लेकर भी तेज है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव समेत पार्टी के विधायक एमएलसी के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, किन मुद्दों पर बनी रणनीति, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर लौटने के साथ ही बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मंगलवार को मुलाकात के बाद अब दूसरे ही दिन लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। बता दें कि इस बैठक को आरजेडी ने बंद कमरे में किया। इस दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर आने नहीं दिया गया, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए नीति सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में बढ़ रहे अपराध को लेकर एनडीए सरकार से सवाल किए कि सरकार बिहार में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए क्या कर रही है, इन लोगों से कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं हो पा रही है। वही बैठक को लेकर तेजस्वी ने कहा कि ये पार्टी की बैठक है, ये तो चलती रहती है, पार्टी में कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को होने वाली जन संवाद यात्रा के लिए जिले के पदाधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 10 सितंबर से शुरू हो रही इस यात्रा में पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी समेत मिथिलांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस यात्रा में खास बात यह है कि इस दौरान कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय नेता नहीं रहेगा, वह सिर्फ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही यात्रा करेंगे, जिससे आरजेडी जमीनी स्तर पर मजबूत होगी।
लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा था और इसका असर चुनाव के नतीजों पर भी देखा गया। ऐसे में जन संवाद यात्रा को लेकर मोदी सरकार टेंशन में नजर आ रही है, तो उसकी चिंता बीजेपी नेताओं ने और बढ़ा दी है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के साथ ही अब पार्टी के अपने नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। राज्य में हिंसा थमती नहीं देख अब बीजेपी नेताओं का सब्र भी टूट गया है। बीजेपी विधायक और नागा नेता डिंग गंग लंग गंग मेई ने राज्य की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता और मैतेई और कुकी जोमी पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा नहीं देता, तब तक इस तरह से शांति भंग होती रहेगी। पीएम मोदी से मणिपुर आने की गुहार तो वहां की जनता लंबे वक्त से लगा रही है। विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि विदेशों के लिए पीएम के पास वक्त है लेकिन मणिपुर के लिए नहीं है। लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी पहल नहीं देखी गई, तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि मणिपुर को हिंसा की चपेट में आए 16 महीने हो गए हैं, लेकिन आपकी डबल इंजन सरकार ने इसे कम करने के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे उजागर क्यों किया और आपके द्वारा उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मोदी जी, आप इतने बेशर्म हो गए हैं, आपने राज्य में कदम रखने की जहमत क्यों नहीं उठाई? आपके अहंकार के कारण ही सभी समुदाय के लोगों को परेशानी हो रही है। इम्फाल पश्चिम जिले में ड्रोन हमलों के माध्यम से बमबारी हुई है और ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री गाड़ी चलाते समय सो रहे हैं। यहाँ तक कि आपके अपने बीजेपी नेताओं और उनके घरों पर भी हमले हो रहे हैं। क्या राज्यपाल को इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने राहत शिविरों की दयनीय स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई थी? खड़गे ने चेतावनी दी कि आंतरिक उथल पुथल के अलावा अब मणिपुर की सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी मंडराने लगा है। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, तो इसराइल के मुद्दे पर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष तो इसराइल को लेकर मोदी सरकार के रुख पर सवाल उठा ही रहा है। अब पूर्व नौकरशाहों राजनयिकों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हुए बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है ये मांग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के इसराइल को समर्थन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं अब इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो गई है। देश के प्रसिद्ध पूर्व नौकरशाहों राजनयिकों और शिक्षाविदों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वो इसराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और उन्हें नए लाइसेंस भी ना दे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि गजा युद्ध के लिए इसराइल को निर्यात किए जा रहे युद्ध सामग्रियों पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। भारत को गजा में युद्ध के लिए इसराइल को सैन्य सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि इसराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन है। बताते चलें कि कुछ दिनों पहले ही फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें जेडीयू नेता केसी त्यागी भी शामिल थे और उन्होंने संयुक्त बयान भी जारी किया था जिसमें लिखा था कि फिलिस्तीन में इसराइल के अपराधों में भारत की भागीदारी नहीं हो सकती है और उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन ये मांग यहीं नहीं रुकी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मामले में 9 सितंबर को सुनवाई भी हो सकती है। ऐसे में अब मोदी सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाएगी या नहीं, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, ये तो देखने वाली बात। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।